नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट CC के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको टूल्स के बारे में बता चुका हूँ, इसके जो लेयर किस टाइप से काम करते हैं और टाइमलाइन कैसे यूज किया जाता है, एनिमेशन कैसे करते हैं, वो बेसिक जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज से हम कुछ कैरेक्टर को लेके आए हैं और उस कैरेक्टर को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से एनिमेट करके दिखाऊँगा कि कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चैनल दिखा रहा हूँ जिसका नाम है हिंदी कहानियाँ। इस पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, वीडियो लेके आता हूँ कार्टून बना के और इस पे मैं लगाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ हो सके। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये एक कैरेक्टर है जो कि JPG है, और इसको मैं पूरा क्रिएट करके दिखाऊँगा यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जब एनिमेट CC पे काम करते हैं तो आपको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ता है कैरेक्टर बनाने में, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप स्केच करके लाते हैं, स्केच को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है इस क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लेयर को हम लॉक कर दिए यहाँ से, और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। और कोई भी जब कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तो इसके हर पार्ट को अलग अलग क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, पी प्रेस करते हैं, हमारा पेन टूल सेलेक्ट हो गया यहाँ से। और पहले बॉडी को क्रिएट करेंगे, फिर मैं हेड को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ, इस टाइप से मैंने इसको क्रिएट किया हूँ। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करिए और ए प्रेस करते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ से देखिए टूल सेलेक्ट हो जाता है, सब सेक्शन टूल, और इसकी मदद से आप इसको चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जहाँ से भी लग रहा है कि आपको सही से जो है क्रिएट नहीं हुआ, वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एडिट कर लिया इसको, और इसमें अगर कलर फिल करना है तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसके जो है सेम कलर को पिक करते हैं और इसमें फिल कर दिए। और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर फिल करता हूं, और इसको मैं यहां से अभी क्या करता हूं हाइड कर देता हूं, जो कि हमें नीचे का लेयर दिखाई दे कि किस टाइप से क्रिएट किया गया है। एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और अभी मैं इसके जो इस पार्ट को क्रिएट करूँगा, इस टाइप से क्रिएट हो गया। इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, और इसका कलर हम सेम रखेंगे, आई ड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं, और इसका कलर हमने क्लिक करके कर दिया ये कलर, और इसको भी मैं अभी हाइड कर देता हूँ। इस बार मैं इस जो डार्क कलर है इस क्रिएट करेंगे, तो पी प्रेस करते हैं, न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, इस टाइप से हमारा क्रिएट हो गया। इसमें हम सेम कलर फिल कर देते हैं। अब हमारा ये तीन लेयर जो है क्रिएट हो गया है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस तीनों को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और इस हाथ को क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाते हैं, न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और इस हाथ को हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि जब एनिमेशन करेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस लेयर को ऑन करते हैं यहाँ से, और इसके फील को मैं हटा देता हूँ, जिससे हमें शो होता रहेगा कि यहाँ पे हमको किस टाइप से करना है। पी प्रेस करते हैं, एक न्यू लेयर यहाँ से हमने क्रिएट किए, और यहाँ पे हमने कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एनिमेशन के लिए जब करते हैं तो आपको यहाँ पे एक जो है राउंड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
वी प्रेस करते हैं, यहाँ से जो है सिलेक्शन टूल, और इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, नीचे की ओर भी राउंड कर देते हैं, और हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देते हैं। इस टाइप से, और ये हाथ जो है हमारा कुछ इस टाइप से है, तो हम इसको क्या करेंगे, हाथ को सीधा करेंगे, जब एनिमेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इस टाइप से बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक और न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टाइप से हो गया हमारा। उसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और यहाँ से मैं इस हाथ को क्रिएट करूँगा, पी प्रेस करते हैं, इस टाइप से हमारा ये हाथ क्रिएट हो गया। हम इसको सेम कलर फिल करते हैं, तो मैं इसको जो है अभी साइड कर लेता हूँ, और सेम कलर फिल करते हैं। इस टाइप से जो है हमारा ये हाथ क्रिएट हो गया है। हम क्या करेंगे, इसी हाथ को सेम इस हाथ में भी हम लगाएंगे, तो हमें ये हाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है हमारा ये हथेली जो है इसको क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम पी प्रेस करते हैं, इस टाइप से क्रिएट हो गया। इसको भी हम कलर सेम रखेंगे। अभी क्या हुआ, हमारा बॉडी जो है पूरा क्रिएट हो गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, साइड कर लेता हूँ, और मैं इसको जो है सिंबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, F8 प्रेस करते हैं। इसी तरह से इसको भी हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसमें हम कलर फिल करते हैं, और इसका कलर हम रखेंगे ऑरेंज, F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ये लेयर है इसको हमको कॉपी करते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, इसी टाइप से इसको भी कॉपी करते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और इसमें भी हम सेम कलर फिल करेंगे, ऑरेंज कलर जो ये कलर है फिल कर देते हैं इसमें, और सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको भी। इस टाइप से मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे, राइट बटन करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में फ्लिप कर देते हैं इस टाइप से, और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दो लेयर और है जो कि इसके जो क्रिएट किए थे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको रखते हैं यहाँ पर, और जो ये हाथ है इसकी लेयर को हम नीचे रखेंगे, और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो है इसका बॉडी जो है
क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके जो तीन बटन है इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ से जो क्या करते हैं इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट कर लेता हूँ, और इस जो इस लेयर बॉडी में जाएंगे इसको एक न्यू लेयर क्रिएट करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, जो कि ये पूरा बॉडी एक लेयर के अंदर हो, और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और यहाँ से मैं बटन इसका क्रिएट कर देता हूँ। हम इस टाइप इधर की ओर बटन क्रिएट करेंगे, इस टाइप से हमारा जो है ये क्रिएट हो गया। अब हम इसके आउटलाइन को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, इसके अंदर जाते हैं, इस लेयर को पकड़ते हैं, और यहाँ से हम इसको इतना दूर से डिलीट कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से हो गया। इसी टाइप से इसके अंदर भी जाते हैं, और यहाँ से इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। ये हमारा क्रिएट हो गया इस टाइप से। अब मैं इस हाथ को यहाँ से रोटेट कर देता हूँ इस टाइप से, और यहाँ से भी मैं इसकी लेयर को आउटलाइन को डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है इसका बॉडी कुछ इस टाइप से क्रिएट हो गया, और यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हमने आज के इस वीडियो में मैंने बॉडी को क्रिएट किए हैं, आगे के वीडियो में हम दिखाएंगे इसके जो हेड हैं, इसके जो लेग हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।